जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टीवी 24 छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक लहर से उठ रही है और कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में वही दल सत्ता पे वापस आएगी जो किसानों का कर्ज माफी करेगी। तो जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ का चुनावी जो मुद्दा है वो किसानों के इर्द गिर्द ही घूमता है, चाहे वह किसानों की धान खरीदी को लेकर के हो या किसानों के कर्ज माफी को लेकर के हो। पिछले बार 2018 में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर के और 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी को लेकर के, ये दो बड़ी घोषणा है वो अपनी घोषणा पत्र में जारी किए थे और इसी के बलबूते कांग्रेस जो है 15 साल बाद वापस सत्ता पर आई थी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत उन्होंने किसानों का कर्ज माफ़ी है वो किया था और 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की थी। तो इस वर्ष भी किसानों को आस है कि छत्तीसगढ़ में इस बार भी किसानों का कर्ज माफ़ है वो किया जाएगा, क्योंकि किसानों के कर्ज माफ़ी का वादा जो सरकार ने किया था उसे सत्ता पे आते ही निभाया है। और अभी वर्तमान में कर्नाटक में भी किसानों का प्रति एकड़ 3 लाख रुपए का कर्ज है वो माफ़ किया जा रहा है और यहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। तो किसानों को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भी इस वर्ष किसानों का कर्ज माफ़ी है वो किया जाएगा। और आप सबको बता दें कि इसी की आस में किसानों ने इस वर्ष जो है ज़रूरत से ज़्यादा है वो कर्ज ले रखा है जितनी भी सहकारी समिति है उनके माध्यम से, और उन्हें उम्मीद है कि इस वर्ष भी कर्ज माफ़ी है वो होगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है बस्तर संभाग, जिसके अंतर्गत 6 जिले शामिल है और यहाँ राज्य के लगभग 37 लाख कृषक परिवार है वो आते हैं, जिसमें से लगभग 80% लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, बाकी के 20% बड़े किसान हैं। अधिकारियों के मुताबिक जो ऋण लेने वाले किसान हैं उनमें करीब 80% लघु और सीमांत किसान हैं। तो जी हाँ, 80% जो छोटे किसान हैं उन्होंने इस आस पर कर्ज ले रखा है कि इस वर्ष भी किसानों का कर्ज माफ़ी है वो होगा। लेकिन आप सबको बता दें दोस्तों कि अभी इसको लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सारी बातें डिपेंड करती है दलों के घोषणा पत्र में, और अभी तक किसी भी दल का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, ना ही कांग्रेस का और ना ही बीजेपी का। तो इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता और सरकार के द्वारा भी कोई ऑफिशियल घोषणाएं हैं वो नहीं की गई है कोई कार्यक्रम में कि किसानों का इस वर्ष कर्ज माफ़ी किया जाएगा। तो इस बात को कहना कि छत्तीसगढ़ में इस बार भी कर्ज माफ़ी होगा गलत साबित होगा, बाकी देखते हैं, अभी दलों का घोषणा पत्र आना बाकी है, उसमें यह क्लियर हो जाएगा कि क्या इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ़ी होगा और होगा तो कितना कर्ज माफ़ी होगा, ये सारी जानकारी घोषणा पत्र आने के बाद सामने आएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह एक लहर सी बन गई है कि छत्तीसगढ़ में वही दल सत्ता पे वापस आएगी जो किसानों के कर्ज माफ़ी करेगी। बाकी इस विषय पर आपका क्या राय है कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष भी कर्ज माफ़ी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करके बताइए और अपने अन्य मित्रों तक खबरें हैं वो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम किसानों से जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।